बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्पेशल रिजल्ट अबाउट लेजेंडर पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ स्पेशल रिजल्ट देखेंगे लेजेंडर पॉलिनोमियल से रिलेटेड। क्वेश्चन देखते हैं इसका। गिवन डैट पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड पी वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन शो डैट, हमने शो करना है। फर्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई थ्री पी टू एक्स, पी टू ऑफ एक्स प्लस वन बाई थ्री पी नॉट ऑफ एक्स। सेकेंड है एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू बाई फाइव पी थ्री ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई फाइव पी वन ऑफ एक्स, ये हमने शो करना है। सॉल्यूशन वन का देखते हैं। सॉल्यूशन एज़ वी नो डैट, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में रोड्रिगेस फार्मूला में ये चीज़ें प्रूव की थी। पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू थ्री एक्स स्क्र माइनस वन, ये इसके इक्वल होता है। ये टू जो डिवीजन में आ रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र माइनस वन, ये आ जाएगा। ये थ्री एक्स स्क्र वैसे ही लिख लेंगे, ये वन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, टू पी टू ऑफ एक्स प्लस के वन। उसके बाद आ जाएगा थ्री एक्स स्क्र इज इक्वल टू पी टू ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू जो हमें गिवन दी हुई है उसने पी नॉट ऑफ एक्स, पी नॉट ऑफ एक्स उसकी जगह पुट कर दिए गए। अब ये थ्री जो है आ रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्र हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू टू बाई थ्री पी टू ऑफ एक्स प्लस वन बाई थ्री पी पी नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। उसके बाद सॉल्यूशन सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। एज़ वी नो डैट पी थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी थ्री ऑफ एक्स जो है ये हमने रोड्रिगेस फार्मूले में ये चीज़ भी प्रूफ की थी। पी थ्री ऑफ एक्स जो होता है इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब ये टू जो है डिवीजन में आ रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू पी थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स क्यूब माइनस के थ्री एक्स। अब फाइव एक्स क्यूब इधर ही लिख लेंगे, ये थ्री उधर जाके प्लस, माइनस थ्री एक्स उधर जाके प्लस का थ्री हो जाएगा थ्री एक्स, ये टू पी थ्री एक्स आ जाएगा प्लस थ्री एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास फाइव जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू बाई फाइव आ जाएगा पी थ्री ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई फाइव इंटू एक्स आ जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू बाई फाइव पी थ्री ऑफ एक्स प्लस के थ्री बाई फाइव पी वन ऑफ एक्स। अब पी वन ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो हमें गिवन है, एक्स के इक्वल दिए हुए। अब इसकी जगह हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं पी वन ऑफ एक्स पुट कर देगी, ये हमारे पास एक्स क्यूब आ गया, हमारे पास ये चीज़ आ गई हमारे पास एक्स क्यूब। यही हमने प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है इस फंक्शन को। एज वी नो डैट, अभी हमने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्रूफ की हैं। एक्स क्यूब की हमारे पास है वैल्यू टू ओवर फाइव पी थ्री ऑफ एक्स प्लस के थ्री ओवर फाइव पी वन ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इज इक्वल टू टू बाई थ्री पी टू ऑफ एक्स प्लस के वन बाई थ्री पी नॉट ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास है पी वन ऑफ एक्स और वन की वैल्यू है पी नॉट ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के एट इज इक्वल टू, हाँ जी फोर वैसे ही लिख लेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू ये उठा के हमने पुट कर दी। उसके बाद माइनस टू ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के ये पुट कर दी गई है। उसके बाद माइनस थ्री एक्स की वैल्यू पी वन ऑफ एक्स पुट कर दी गई है। उसके बाद प्लस एट एट इधर साथ में इसके वन आ रहा है, वन की वैल्यू है पी नॉट ऑफ एक्स वो पुट कर दी गई है। अब ये फोर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, एट बाई फाइव पी थ्री ऑफ एक्स प्लस के ट्वेल्व बाई फाइव पी वन ऑफ एक्स माइनस के फोर बाई थ्री पी टू ऑफ एक्स माइनस के टू बाई थ्री पी नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। माइनस थ्री पी वन ऑफ एक्स प्लस के एट पी नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एट बाई फाइव पी थ्री ऑफ एक्स प्लस के, अब पी वन ऑफ एक्स एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, इसमें से पी वन ऑफ एक्स कामन आ जाएगा, ट्वेल्व बाई फाइव माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस फोर बाई थ्री पी टू ऑफ एक्स ये आ जाएगा पी नॉट ऑफ एक्स में, ये हमारे पास एट आ रहा है, एट पी नॉट ऑफ एक्स इन दोनों में से कामन आ जाएगा, एट माइनस टू बाई थ्री पी नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास अगले स्टेप में आ जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के एट आ जाएगा। ये हमारे पास एट बाई फाइव पी थ्री ऑफ एक्स माइनस फोर बाई थ्री पी टू ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन आ जाएगा जो कि माइनस थ्री बाई फाइव
पी वन ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे 24 - 22/3 पी नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। इस फंक्शन को लेजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, लेजेंडर पॉलिनोमियल में इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है। एज वी नो डैट एक्स क्यूब जो हमारे पास था 2/5 p3 ऑफ x + 3/5 p1 ऑफ x एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2/3 p2 ऑफ x + 1/3 p0 ऑफ x एंड x इज इक्वल टू p1 ऑफ x + 1 p0 ऑफ x 4x³+6x² + 7x + 2 इज इक्वल टू 4। वैसे लिख लिया x क्यूब की वैल्यू पुट कर दी गई लेजेंडर पॉलिनोमियल थी ये जो है। उसके बाद प्लस 6 वैसे लिख लिए गए, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी गई ये वाली। उसके बाद 7+7 वैसे लिख लिए गए, p1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो x है वो पुट कर दी गई है। मिस 7 p1 x प्लस 2 इसके साथ 1 आ रहा है, 1 की वैल्यू है p नॉट ऑफ x वो पुट कर दी गई है। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी गई, ये 8/5 p3 ऑफ x आ जाएगी, 12/5 p1 ऑफ x आ जाएगा, ये 12/3 p2 ऑफ x आ जाएगा, उसके बाद 6/3 p0 ऑफ x आ जाएगा, प्लस 7 p1 ऑफ x आ जाएगा, प्लस के 2 p0 ऑफ x आ जाएगा। हाँ जी 8/5 p3 ऑफ x आ जाएगा प्लस के उसके बाद ये जो है p2 ऑफ x 3 × 3 = 4 × 4 p2 ऑफ x आ जाएगा, प्लस p1 ऑफ x ये आ रहा है और p1 ऑफ x ये आ रहा है। इसमें से p1 ऑफ x दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 12/5 + 7 आ जाएंगे। उसके बाद 2 p0 ऑफ x प्लस के 2 p0 ऑफ x ये अगले स्टेप में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 8/5 p3 ऑफ x प्लस के 4 p2 ऑफ x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 5 LCM आ जाएगा, ये 35 + 12 ये 47/5 p1 ऑफ x आ जाएगा प्लस के 4 p0 ऑफ x। ये हमने इवन फंक्शन को लेजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। स्पेशल रिजल्ट्स इन्वॉल्विंग लेजेंडर पॉलिनोमियल, लेजेंडर पॉलिनोमियल के जो हैं स्पेशल रिजल्ट इन्वॉल्विंग लेजेंडर पॉलिनोमियल। थ्योरम है प्रूव डैट Pn(1) = 1 प्रूव करना है, Pn(-1) = -1 2^n प्रूव करना है, Pn(-x) = -1 2^n Pn(x) प्रूफ में आ जाए। प्रूफ नंबर 1, सिंस जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन जो है लेजेंडर पॉलिनोमियल का वो ये होता है 1/(1 - 2xz²), इसका स्केयर रूट (n=0 to ∞) Pn(x)z^n। पुट इसमें पुट x = 1 पुट करें, x = 1 पुट करेंगे, -2 × 1 - 2z आ जाएंगे, (n=0 to ∞) Pn(1) आ जाएगा (z^n). इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये इसको वैसे ही लिख लिया गया है। उसके बाद ये स्केयर कंप्लीट कर लिए गए, 1 - z² उसकी पावर -1/2, इधर ये चीज़ वैसे ही लिख ली गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - z²⁻¹ आ जाएगा, (n=0 to ∞) Pn(1) z^n आ जाएगा। अब इस पे बायोनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी सीरीज ये होती है 1+z + z² + z³ + up to so on। ये अगले स्टेप में आ जाएगा (n=0 to ∞) Pn(1) z^n। अब उसके बाद इसको क्लोज कर लें समीशन फॉर्म में, (n=0 to ∞) z^n (n=0 to ∞) Pn(1) z^n। कंपेयर द कोफिशेंट ऑफ (z^n), (z^n) का कोफिशेंट कंपेयर कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा (Pn(1) = 1 आ जाएगा, (Pn(1) = 1 आ जाएगा। यही हमने पहला रिजल्ट प्रूव कर दिया। इससे अगला रिजल्ट देखते हैं, वो ये वाला (Pn(-1) = -1 2^n), ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ नंबर 2, एज वी नो डैट जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल, लेजेंडर पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन लिख लिया गया। अब इसमें पुट कर देना है (x=-1), जब -1 इधर आएगा एक्स की जगह -(-+)1 2 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/(1+2z + z²), इसका स्केयर रूट (n=0 to ∞) Pn(-1) आ जाएगा, (z^n) आ जाएगा। ये हमारे पास पावर ऊपर जाएगा -1/2 कर ली, (n=0 to ∞) Pn(-1) z^n आ जाएगा। अब इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया गया, 1+z इसका स्केयर, उस सारे की पावर -1/2 (n=0 to ∞) Pn(-1) z^n। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1+z²⁻¹ आ जाएगी, (n=0 to ∞) Pn(-1) z^n। उसके बाद इसकी बायोनोमियल सीरीज एक्सपेंशन लगा दी गई है, ये हमारे पास 1 - z + z² - z³
क्यू प्लस अप टू सोन इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ माइनस वन जेड टू रेड पावर एन। इसको लिख सकते हैं समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू रेड पावर एन इंटू जेड टू रेड पावर एन इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ माइनस वन इंटू जेड टू रेड पावर एन। कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ जेड टू रेड पावर एन, जेड टू रेड पावर एन के कोफिशेंट कंपेयर कर लेंगे, ये हमारे पास पी एन ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन टू रेड पावर एन। ये सेकंड रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दी। उसके बाद थर्ड रिजल्ट है हमारा पी एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू रेड पावर एन पी एन ऑफ एक्स, ये हमने प्रूफ करना है। नंबर थ्री, एज वी नो डैट द जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल इज, लेजेंडर पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन है जो है वो ये लिख लिया गया है, इसको कोई नंबर वन कह लेते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स की जगह जब माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे वो टू एक्स जी हो जाएगा प्लस जेड स्केयर आ जाएगा। समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ माइनस एक्स जेड टू पावर एन, ये तो ये नंबर टू बना ली। अब पुट जेड इज इक्वल टू माइनस जी, अब इसमें वन में जेड इज इक्वल टू माइनस जी रिप्लेस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा फिर भी वन प्लस टू एक्स जी प्लस के जी स्केयर, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स इंटू माइनस जेड टू रेड पावर एन आ जाएगा। अगले स्टेप में समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स जो है, इसको पी एन ऑफ एक्स वैसे लिख लिया गया जेड टू रेड पावर एन, इसकी पावर अलग अलग करते कर सकते हैं, माइनस वन की पावर एन अलग कर ली वो इधर आ गई, जेड टू रेड पावर एन जो है वो इधर लिख ली, इसको कोई नंबर थ्री बना ली। अब कंपेयरिंग टू एंड थ्री, टू और थ्री को कंपेयर कर लें, इनकी जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है, इसका मतलब है इनके राइट हैंड साइड भी सेम आ रही हुई, राइट हैंड साइड को सेम रख लिया। कंपेयर द कोफिशेंट ऑफ जेड टू रेड पावर एन, अब कंपेयर कर लेना इसके कोफिशेंट जेड टू रेड पावर एन के कोफिशेंट, इधर जेड टू रेड पावर एन का कोफिशेंट पी एन ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, इधर जेड टू रेड पावर एन का कोफिशेंट माइनस वन टू रेड पावर एन पी एन ऑफ एक्स आ रहा है, यही हमारा थर्ड प्रूफ है।